अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित में एंड विंटर्स का समय है, तो आई थॉट क्यों ना इस माहौल को, इस मौके को यूटिलाइज़ करके एक अच्छा सा एक ट्रिप बनाए नॉर्थर्न के लिए, गिलगित से आगे की तरफ हुंजा एंड राकापोशी की तरफ। तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आज गिलगित से और ऊपर जा रहे हैं हुंजा की तरफ एंड वहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर करेंगे, बारबेक्यू करेंगे एंड आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि समर्स में तो बहुत से लोग जाते हैं लेकिन हाउ इट इज़ एक्चुअली इन विंटर्स। सो हमारे साथ रहिए एंड लेट्स हैव अ लुक एट द व्यूज, आइस एंड पूरा माहौल विंटर्स में। अच्छा, द यूनिक थिंग अबाउट आवर जर्नी जो हम अभी नॉर्थ में जाने जा रहे हैं, इट्स बेसिकली इन अ जीप, ये वाली जीप है। इसमें हमारा सफ़र है नॉर्थ की तरफ। आई डोंट नो ये किस तरह होता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग विथ दिस जीप एंड लेट्स होप हमारा जो जर्नी है वो एक यूनिक हो। इसके साथ हमारे साथ मुमताज़ भाई। मुमताज़ भाई इज़ द पर्सन जिनके तवसल से ये पूरी ट्रिप जो है वो स्केड्यूल भी है, ऑर्गेनाइज भी है और बेसिकली ये जीप भी इनकी है। मुमताज़ भाई थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। और ये जी असद भाई थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, मुमताज़ अली हूँ मैं, ये जीप का भी ऑनर हूँ और इस होटल को चला रहा हूँ। तो तमाम टूरिस्ट को हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गाड़ी का फैसिलिटीज़ है हमारे पास, रूम रेंट पे। मुमताज़ भाई ये बताएं, अगर मेरी तरह का कोई बंदा कराची से आ रहा है और उसको शौक है इस तरीके की जीप में बैठ के नॉर्थ में हुंजा या उससे सुस्त में या इवन गुजरात तक जाना चाह रहे, तो आप उनको ये दे देंगे सर्विसेज? जी जी, मैं बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठा हूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। सिर्फ आप लोग फ्यूल का वो अरेंजमेंट करेंगे, बाकी गाड़ी मेरी तरफ से फ्री होगी। देखें दिस इज़ समथिंग हर कोई नहीं कहता। आप यहाँ पे गिलगित में, आपके क्या नाम है यहाँ? टूरिस्ट हेमलेट होटल। हेमलेट होटल में आके सिर्फ आपने फ्यूल डलवाना है, कोई चार्जेस नहीं है, ऐसा ही है, जीप की कोई चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पे आके स्टे करें एंड अगर आपका मूड है कहीं नॉर्थ में जाने का, जहाँ तक जाना है का मूड है, आप फ्यूल डलवाएं एंड यू हैव द व्हीकल विथ यू। सो हम जा रहे हैं राकापोशी, वही पॉइंट देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बस हमारे सफर के लिए दुआ कीजिएगा, थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। जनाब फाइनली राकापोशी व्यू पॉइंट पे पहुंच गए, हम गिलगित से निकले थे एंड अभी ये हमारी पहली पॉइंट थी एंड हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दोस्त। जनाब क्या हाल है, फाइनली पहुंच गए? हाय, अरे 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 अरे, मुमताज़ भाई कैसा था सफर? हाय कि जबरदस्त जबरदस्त, मजा आया। थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यस, अभी हमारा स्टॉप है राकापोशी पे, वो सामने राकापोशी एंड अभी क्या प्लान है? अभी इंशाल्लाह यहाँ से हम रोटी शोटी लेके जाएंगे, खाना ऊपर लेके जाएंगे, हम पकाएंगे वहाँ पे, बारबेक्यू होगा। हाँ, इसके बाद हम खाना शाना उधर खा के एंजॉय करके नेचर को करीब से देखेंगे, नेचर को। तो खाने का पूरा प्लान है, यहाँ जाके हम रोटी लेंगे, मार्केट है ना, इधर से रोटी अवेलेबल है, यहाँ पे हम रोटी लेके फिर ऊपर जाएंगे राकापोशी। ठीक है, ये जीप हमारे साथ जाएगी ऊपर? जी जी जी, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, जितना ऊपर बर्फ में जा सके एंड फिर हम इंशाल्लाह फिर हम आगे आपको अपडेट करते हैं फ्रॉम द बेस हमारा, जहाँ पे हमने कुकिंग करनी है, जहाँ पे हमने बारबेक्यू बनाना है। सो इट्स गोइंग टू बी ऑसम आई बिलीव।
मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ, जब तक ये लोग अपना ये सारा सेटअप करें मैं आपको ऊपर वाला रास्ता दिखाता हूँ, लेट्स सी कैसा है। जहाँ हमने बारबेक्यू सेटअप करना है, ये बेसिकली राकापोशी व्यू पॉइंट भी इसको कहते हैं। जनाब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम राकापोशी व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और हमारा बारबेक्यू का सीन है, तो मैं आपको बेसिकली जगह दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने सेटअप कहाँ पर करना है और कैसा माहौल है वहाँ पर। ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है राकापोशी पहाड़ जिसकी हाइट 7000 प्लस है, एंड देन उसका ये बेस कैंप भी यहाँ पे है और यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं। तो हमने वो जो आप देख रहे हैं वो सामने बर्फ है, बर्फ के पहले हल्के से वो बुशेज हैं, वहाँ पे हमने बेसिकली आग भी लगानी है, वहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप भी करना है, एंड हमारे पास कुछ दोस्त भी हैं जो गिलगित से आए हैं। हम आए भी जीप में हैं, यूनिक किस्म, इससे पहले जीप में भी नहीं आए थे, तो इट्स ऑसम टू बी हियर रियली। चलें, हमने लकड़ियाँ भी जमा करनी है यहाँ से, सबसे पहले लकड़ियाँ जमा करेंगे, फिर हमारे पास जो चिकन है, जो बीफ है, उसको थोड़ा सा मेरीनेट करेंगे यहाँ पे। मेरीनेट करने के बाद हमने उसको उसमें लगाने हैं जो उसके बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा व्यूज़ को इंजॉय करेंगे, एंड यहाँ से खा के फिर हम वापस गिलगित की तरफ रवाना होंगे। जनाब लकड़ियों ढूंढने का टाइम है, तो ये सारे बुशेज जो देख रहे हैं ना, हमने इनको निकालना है। आ जाइए मुझे दो, ये अभी लकड़ियों का टाइम है। अली भाई क्या कर रहे हैं? अभी हम बारबेक्यू के लिए लकड़ी जमा कर रहे हैं सर। अच्छा, इधर से थोड़ा दूर काट के ना ऊपर ले जाके हम अच्छा बारबेक्यू का सेटअप लगाएंगे। सही, ये देखें आप देख सकते हैं, इधर भी बर्फ भी है और कांटे भी है, उसमें सकते हैं। तो ध्यान से, तो हमें थोड़ा एहतियात से चलना चाहिए। हम ये क्यों नहीं उठा रहे ये वाली, ये देखो यहाँ से ये वो गीला है सर, वो गीला है, लकड़ी गीला है। ओके, तो हमें इसमें जलने में बहुत मुश्किल होगा, तो हमें कोई सूखा लकड़ी चाहिए। ये हमारे अफजल भाई और अली भाई जो हैं बारबेक्यू के लिए लकड़ियाँ बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं। अफजल भाई कैसा सीन था? मज़ा आ गया यार। हैं? बहुत मज़ा आ गया। आपने पहले कभी किया ऐसे बर्फ पे विंटर्स में? नहीं, नहीं, नहीं। पहले बार कर रहा हूँ। हाँ, पीछे राकापोशी देखें अली, मुश्किल था? मुश्किल तो इतना नहीं था सर, बस थोड़ा इधर अच्छा बर्फ होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, और चढ़ाई भी ज्यादा था। और ये मुमताज भाई आ गए। ओ असद भाई, कैसे गाड़ी आ गई ऊपर बर्फ में? गाड़ी में पहुंचे है ना, ले आया बस आराम से ले आया, और कोई मसला पेश नहीं आया, शुक्र है अल्लाह का, है ना। आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है असद भाई, कभी नहीं आए थे इस तरह। चले, ये भी किस्मत में था हमारा, नसीब में था आपके साथ, बस एंजॉय किया है ना। Yep. ये सीन देखें, चलें अभी हम आग इनको जलवाने में मदद करते हैं, एंड हम व्यूज़ भी इंजॉय करते हैं यहाँ पे। हैं अफजल साहब, आग जलाने में मसरूफ। अतीक तुम्हें कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है? हैं अकील कंबल ओढ़ा हो तुमने? ये हमारे शेफ हैं अली, जो कोयलों के साथ थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल भाई भी उनकी मदद कर रहे हैं। अकील को जो है कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। मुमताज़ भाई सुपरवाइज कर रहे हैं सारे काम को, और हमारे गुलजार भाई जो हैं वो चिकन को साफ़ कर रहे हैं। गुलजार भाई आप सुनाएं, पहली दफ़ा आए यहाँ पे, क्या सीन है? बहुत मज़ा आ रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और सर्दी में बारबेक्यू का अपना मज़ा है? गुड यार। अच्छा गुलजार भाई, रेसिपी बताएं क्या कर रहे हैं आप? बस रेसिपी और तो कुछ नहीं है, ये मसाले लाए हमने, मिक्स मसाले। ठीक है, चिकन कितना है हमारे पास? ढाई किलो। ढाई किलो चिकन में हमने ये मसाला पूरा पैकेट डाल दिया। ठीक है, और ये गुलजार भाई रेडी, कोयले तैयार हैं। मुझे अभी से भूख लगी है। मुमताज़ भाई भूख लगी है? जनाब ये व्यूज़ और ये आग, साथ में गुलजार भाई अपनी कुकिंग के साथ बारबेक्यू सेट करते हुए। कोयले तैयार हैं, शीखें भी लग रही हैं, और ये सेटअप हमारा ऐसे है।
ये अली भाई इधर हमारे लिए। अली भाई क्या कर रहे हैं? अभी हम सलाद बना रहे हैं। सलाद बना रहे हैं, गुड यार। ठंड नहीं लग रही आपको? बस ठंड तो लग रही है सर, बस बर्दाश्त कर रहे हैं सर। अभी हम शौक का कोई कमी नहीं होते हैं ना। क्या बात है, ये हमारा लिए अली भाई सलाद बना रहे हैं और यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है। दिखाएं हमारी डाल रहे हैं, फिर इसको पिघलाएंगे और फिर इसी का पानी हम पियेंगे, बर्फ का पानी इंशाल्लाह। पानी का अपना मजा है, अपना मजा है। और ये बारबेक्यू अब से 30 मिनट बाद रेडी होगा, तो आप तैयार हो जाओ खाने के इंशाल्लाह। हम मुझे लग रहा है हम सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो अकील को लग रही है। अकील, अकील सबसे ज़्यादा सर्दी, कंबल तुमने पहना हुआ है। राकापोशी व्यू पॉइंट सामने, राकापोशी बारबेक्यू, बारबेक्यू का अपना मज़ा सामने राकापोशी। और क्या चाहिए आपको, और प्लस में विंटर्स माइनस टेम्परेचर। एंड जनाब फाइनली आज का सफ़र खाने पे इख्तिताम करता है। मुमताज़ भाई ये देखें, और ये हमारे देखने वालों के लिए सरप्राइज, ये हमारे अली भाई और गजनफर भाई, गुलजार भाई, अफजल भाई, मुमताज़ भाई, हिम्मत भाई और अकील, हमारा फेवरेट, की मेहनत के बाद ये सारे हम ये यहाँ पर रेडी हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ यूनिक थिंग वी आर डूइंग हियर यार। पीछे मेरे पीछे देखें, राका पोशी विंटर्स में, द स्पेशल थिंग इज इट्स विंटर्स हियर।